नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइडर्स। बिहार में 7 जनवरी से जाति स आर्थिक गणना शुरू हो रही है। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और 21 जनवरी तक मकानों की गिनती कर मकानों पर नंबरिंग लगा दिया जाएगा। इसके लिए 15 दिनों का समय कर्मियों को दिया गया है और आपको बता दें कि इसके साथ ही जो है दूसरे चरण का जो गणना है वो मार्च में शुरू होगी। इसके लिए 30 नवम्बर को ही सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके लिए सरकार के विशेष सचिव मोहम्मद साहिल द्वारा जारी पत्र के मुताबिक राज्य में गन्ना कार्य के लिए गन्ना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जाति स आर्थिक गन्ना का काम 2 चरणों में पूरा होगा। दूसरे चरण में मार्च में जाति के साथ आर्थिक गन्ना होगी। पटना जिले में 2011 के जनगणना के अनुसार 58,38,465 आबादी थी। 11 साल बाद वर्तमान समय में पटना जिले में 74,32,950 आबादी होने का अनुमान लगाया गया है। इन लोगों की गिनती 12,696 प्रगणन करेंगे। आपको बता दें कि जाति स आर्थिक गणना के लिए 15 दिसंबर को बीपार्ड के लिए राज्य स्तरीय ट्रेनिंग होगी। इसमें राज्य के सभी 38 जिलों में 10-10 अधिकारी शामिल होंगे। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारी अपने अपने जिले में अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए जिले में 204 जाति की गणना के लिए 11 कोषांग और 45 चार्ज का गठन किया गया है। वहीं सभी विशेष कोषांग में वरीय नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं डीएम ने सभी को तैयारी जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए बता दें कि पटना जिले में 74,32,000 लोगों की जातियों को गिनने के लिए 12,696 प्रगणन की सूची तैयार की गई है। एक गन्ना ब्लॉक में 700 की आबादी पर एक गन्ना खंड का गठन किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए 2,116 पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। और आपको बता दें कि सरकार के द्वारा ये जारी कर दिया गया है कि 7 जनवरी से इसकी गणना शुरू होगी, जिसमें पहले चरण में जो है मकानों की गिनती होगी और मकानों की गिनती जो है 21 जनवरी तक पूरी कर लेनी है। और 21 जनवरी के साथ ही जो मकानों की गिनती है उसके बाद गणना पूरी करके इन मकानों पर नंबरिंग भी कर देनी है। और उसके बाद मार्च में दूसरे चरण की गणना शुरू होगी, जिसमें जाति स आर्थिक गणना की जाएगी। और इसमें बता दें कि सभी जिलों के अधिकारियों को और कई पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है कि अपने जिले में जो कार्य है उसकी तैयारी कर दिया जाए, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम ने अधिकारियों को इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि जो गन्ना का कार्य है वो समय से पूरा हो सके। और इसके लिए 30 नवम्बर को ही सामान्य प्रशासन विभाग ने यह इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है कि जो मकानों की गिनती है उसमें अधिसूचना 30 नवंबर के लिए जारी कर दी गई थी। और आपको बता दें कि जो गन्ना है वो 7 जनवरी से शुरू होगी और पहले चरण की गन्ना जो है 21 जनवरी तक पूरी कर लेनी है और उसमें मकानों की गिनती होगी। और जब दूसरे चरण की मतगणना होगी तो वो मार्च में शुरू की जाएगी, जिसमें जाति स आर्थिक गन्ना शामिल है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।